आज हम अपनी क्लास में पढ़ने जा रहे हैं साइंस की जो क्लास है आपकी डीएलएड की उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक आपका रहेगा पदार्थ का घुलना एवं पृथक्करण। जैसा कि आपको नाम ही सुन के टॉपिक का नाम ही सुन के लग रहा होगा कि ये टॉपिक मैं जानता हूँ या ये मैंने कभी पढ़ा है। ठीक है, जैसे कि आपने ये जितने भी आपके डीएलएड में साइंस के जो टॉपिक हैं वो आपके फर्स्ट टू एट्थ के ही टॉपिक रखे गए हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सभी ने वो चीज़ें पहले से ही पढ़ रखी हैं, लेकिन आज हम फिर से ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि ये आपका टॉपिक जो है वो साइंस में दिया गया है। पदार्थों का घुलना मतलब पदार्थ किस प्रकार से एक दूसरे में घुलते हैं, मिश्रित होते हैं एवं पृथक्करण। और जब अगर घुलते हैं तो हम उनका पृथक्करण कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पदार्थों का जो घुलना है और पृथक्करण हम कुछ विधियां हैं उनके द्वारा कर सकते हैं, जैसे कि छानना। छानना को हम इंग्लिश में बोलते हैं फिल्ट्रेशन। निथारना, निथारना को बोलते हैं डिकॉन्स्टेशन। आश्वन, डिस्टिलेशन। ऊर्ध्वपाशन, ऊर्ध्वपातन जो होता है वो सब्लिमेशन होता है। क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन। और विद्युत अपघटन होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो वन बाय वन हम ये हेडिंग्स के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार ये कार्य करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो हेडिंग है वो है आपकी फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन क्या होता है, किस प्रकार से हम पदार्थों को उसके द्वारा अलग कर सकते हैं, ठीक है, फिल्टर कर सकते हैं। जब किसी द्रव में कोई अशुद्धि मिल जाती है, मान लीजिए कोई द्रव है आपका पानी है, उसमें क्या मिल गया, कोई अशुद्धि मिल जाती है, कोई अदर चीज़ उसमें मिल जाती है, तो इसे छानकर पृथक किया जा सकता है। किसी द्रव को छानने की प्रक्रिया जो है वो मैं बता रही हूँ आपको। तो छानने के लिए सर्वप्रथम एक फिल्टर पेपर लेकर, उसके लिए ये विधि बताई गई है, आपको सबसे पहले क्या लेना है, एक फिल्टर पेपर लेना है। उसके चार भागों में मोड़ दिया जाता है और उसके जो भाग हैं उसको क्या कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है, मतलब एक कोन शेप संरचना बना दी जाती है। इसके तीन भाग एक तरफ तथा एक भाग एक तरफ करने पर एक शंकु जैसी आकृति बन जाती है। जैसे आप कोन बनाते हैं तो उस प्रकार की ये संरचना जो है वो बन जाती है फिल्टर पेपर की। इसे कीप के ऊपर लगा दिया जाता है, और इस फिल्टर पेपर को किसके ऊपर लगा दिया जाता है, एक कीप के ऊपर लगा दिया जाता है। अब इसे शंकु के ऊपर थोड़ा सा द्रव डालने पर यह शंकु कीप से ठीक प्रकार चिपक जाता है, और जब हम इसमें थोड़ा सा द्रव डालते हैं तो क्या हो जाता है, ये चिपक जाता है उस शंकु से। तो इसे स्टैंड में कसकर तथा नीचे बीकर रखकर द्रव को छान लिया जाता है और उसमें द्रव डाल दिया जाता है, जिससे वो द्रव जो है वो फिल्टर पेपर से क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। द्रव में उपस्थित सभी अशुद्धियाँ फिल्टर पेपर के ऊपर रुक जाती हैं तथा शुद्ध द्रव नीचे एकत्रित हो जाता है। देखिए, मैं आपको इसको डायग्राम के द्वारा समझा दे रही हूँ। जैसा कि इसका जो डायग्राम है वो देखिए इस प्रकार है, ये आपका आपका जो है वो ये है आपका फिल्टर पेपर, यहाँ पे इसके जो कीप है ये आपकी, इसमें क्या लगा दिया, अंदर उन्होंने फिल्टर पेपर लगा दिया, और जब भी हम उस फिल्टर पेपर को क्या कर देते हैं, इस कीप में चिपका देते हैं, और जैसे ही हम उस फिल्टर पेपर के ऊपर क्या डालते हैं, द्रव डालते हैं, तो जो फिल्टर पेपर रहता है वो किसमें, कीप में जो है वो इसमें चिपक जाता है जाके। ठीक है, इस कीप में चिपक जाता है, तो चिपक के क्या चिपक जाता है, जब हम और उसमें वॉट जो है अशुद्ध जो है मिश्रण डालते हैं तो क्या क्या हो जाता है, उससे ये जो सही शुद्ध विलयन है वो इस बीकर में आ जाता है, और जो अशुद्धि इसमें रहती हैं वो किस में पहुंच जाती हैं, अशुद्धि आपकी इस फिल्टर पेपर पर क्या होती आती हैं, चिपक जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसको जाना कि जो है आपका छानना जो है किस प्रकार कार्य करते हैं हम उस पर। जैसे कि आप तो नॉर्मल सा एग्जांपल ले लो, जैसे कि आप चाय पत्ती चाय बनाते हैं तो उसमें चाय पत्ती डालते हैं, शक्कर डालते हैं और आपका जो है वो दूध डालते हैं। अब लेकिन शक्कर जो है वो
उसमें घुल जाती है, लेकिन जो चाय पत्ती है वो उसमें कलर अपना छोड़ देती है। और क्या हम चाय पत्ती सीधी ही ऐसे ही पी सकते हैं? नहीं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, छानना का यूज़ तो ही करते हैं। हम चाय छन्नी लेते हैं, उसमें हम उस चाय को डालते हैं और देन जो शुद्ध चीज़ होती है, जो विलयन हमें पीना होता है, जो टी हमें पीनी होती है, वो नीचे हो जाती है। और जो हमें हटाना होता है, जैसे मान लीजिए अदरक है या फिर चाय पत्ती है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, चाय छन्नी की सहायता से उसको अलग कर देते हैं और हमें सही चाय जो हम पी सकते हैं, पीनी योग्य चाय हमें उससे प्राप्त हो जाती है। दूसरा, यदि हम बात करें निथारना, तो निथारना क्या होता है, जब कोई ठोस किसी द्रव में घुलता नहीं है बल्कि थोड़ी देर बाद ठोस बर्तन की तली में बैठ जाता है, ऐसे अघुलनशील पदार्थों को अलग करने के लिए निथारना कहते हैं। मतलब कई ऐसे पदार्थ होते हैं जो उसमें घुलते नहीं है। मान लीजिए हमने कोई वाटर लिया एक बीकर में और उसमें हमने कुछ कंकड़ डाल दिए, तो कंकड़ क्या घुलेंगे, नहीं घुलेंगे, लेकिन वो कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, तली में सारे कंकड़ जो है वो बैठ जाएंगे। तो हम इस क्रिया को अलग करने की जो क्रिया है इस प्रकार को, उसको हम क्या कहते हैं, निथारना कहते हैं। जैसे कि यदि हम जिस पदार्थ को निथारना होता है उसे एक बीकर में रख कर कुछ समय के लिए स्थित, मतलब स्थिर अवस्था में रख देते हैं, शांत, उसमें कोई भी अलग से दाब नहीं लगाया जाता है या उसमें हलचल नहीं की जाती है, कुछ समय उपरांत अविलय पदार्थ बीकर की तली में बैठने लग जाते हैं। जैसे कि मैंने कंकड़ डाले और मैं कुछ समय बाद देखती हूँ कि वो जो कंकड़ थे वो किस में बैठ गए, बीकर की तली में बैठ जाते हैं। अब इस शांत द्रव को छड़ के माध्यम से दूसरे बीकर में अलग कर दिया जाता है। एक छड़ लेते हैं, उसके माध्यम से इस द्रव को हम क्या कर लेते हैं, दूसरे बीकर में अलग कर लेते हैं, तथा पहले बीकर में अघुलनशील अशुद्धि शेष रह जाती है। जैसे कि मैंने बताया, आपने मान लीजिए कोई बीकर लिया, उसमें आपने कंकड़ डाल दिए और कंकड़ थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो बीकर है उसकी तली में जाके बैठ गए। फिर हम एक क्या लेंगे, आपका जो है वो लेंगे, कांच की एक छड़ लेंगे, उससे क्या होगा, उस हम जो शुद्ध विलयन है, ऊपर का जो विलयन है, उसको एक अलग बीकर में रख लेंगे और हम देखते हैं कि जो शुद्ध बीकर में, दूसरे बीकर में हमारा जो शुद्ध विलयन है वो आ जाता है और दूसरे बीकर में जो कंकड़ थे, स्टोन थे, वो उस बीकर में अशुद्धि के रूप में रह जाते हैं। यदि हम आश्वन की बात करें, तो आश्वन क्या होता है, जब किसी विलयन में वाष्पन एवं संघनन के द्वारा शुद्ध द्रव प्राप्त करने की क्रिया के अपनाई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आश्वन। वाष्पन एवं संघनन के द्वारा जब हमें कोई शुद्ध चीज़ प्राप्त होती है, तो हम उस क्रिया को क्या कहते हैं, आश्वन कहते हैं। आश्वन मतलब या तो इसमें वाष्पन होगा, वाष्पन मतलब चीज़ें वाष्प बनकर उड़ेंगी, भाप बनकर उड़ेंगी, या फिर संघनन होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक शंकु के आकार का फ्लास्क में थोड़ी सी मात्रा में अशुद्ध जल लेकर उसके मुंह पर छिद्रयुक्त कॉर्क लगा दी जाती है। उसके मुंह पर हम क्या लगा देते हैं, छिद्रयुक्त हम जो है वो कॉर्क लगा दी जाती है। तो आश्वन विधि जो है उसमें हम क्या करते हैं, एक शंकु के आकार का हम क्या लेते हैं, फ्लास्क लेते हैं, उसमें हम थोड़ी सी जो है वो अशुद्ध जल की मात्रा है उसको अशुद्ध जल लेकर उसके मुंह पर छिद्रयुक्त कॉर्क लगा दी जाती है। ऐसा कॉर्क लगा दिया जाता है जिसमें छिद्र रहते हैं। इस कॉर्क के एक मुंह में निकास नली तथा दूसरे मुंह में साधारण नली, जो कि अशुद्ध जल तक डूबी रहती है, निकास नली को एक संघनित्र में से गुजारते हुए फ्लास्क में शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। जल में से जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यह ऊपर उठकर निकास नली माध्यम से संघनित्र में पहुंचता है। संघनित्र में ठंडा जल होता है जो जल वाष्प को ठंडा कर देता है और उसे जल की बूंदों में परिवर्तित कर देता है। यह शुद्ध जल जो है वो बीकर में एकत्रित कर लिया जाता है।
जो आपके इत्र होते हैं मतलब परफ्यूम होते हैं और गुलाब जल होता है वो इसी विधि के द्वारा जो है वो प्राप्त किया जाता है। जैसा कि मैं इसको आपको डायग्राम दिखा दे रही हूँ, जो आपका डायग्राम है इसका वो इस प्रकार रहेगा। इस बीकर में हम क्या लेते हैं, अशुद्ध जल लेते हैं। इस बीकर में हम क्या लेते हैं, अशुद्ध जल लिया हमने इस बीकर में। दूसरा हमने क्या किया, अशुद्ध जल को लेकर इसमें एक ये कॉर्क लगा दिया। ये आपका है अशुद्ध जल के लिए और ये है आपका शुद्ध उसके लिए। जब हम इसमें हीट इसको देते हैं इस बीकर को, तो जो बाष्प की बूंदें बनकर ये जो हीट है वो इस वाली छड़ से क्या हो जाती है, इस पात्र में आ जाती है। और यहाँ क्या रहता है, ठंडा रहता है। तो जो वाष्प बनकर इधर आई है तो उसको जो वाष्प को ये क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। जब ठंडा हो जाता है तो जो वाष्प थी वो बूंदों के रूप में इस फ्लास्क में जो है वो एकत्रित कर ली जाती है। समझ में आया। आगे आपका जो विधि है वो है आपकी ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, जब कोई पदार्थ गर्म करने पर सीधे वाष्प अथवा गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं या गर्म किए जाते हैं करने पर सीधे वाष्प में, या तो वाष्प में अथवा गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, तो हम इस क्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्रिस्टलीकरण नेक्स्ट है आपकी। क्रिस्टलीकरण क्या होता है, जब किसी मिश्रण से सभी अवयव एक दूसरे में विलय हो, कोई मिश्रण ऐसा है कि जो अवयव हैं वो एक दूसरे में विलय हैं, परंतु उनकी विलयता भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनकी जो विलयता है वो कैसी हो, अलग अलग हो, ऐसी दशा में मिश्रण को द्रव में घोलने के उपरांत वाष्पीकरण तथा शीतलीकरण करने से अवयव क्रिस्टल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें आसानी से अलग किया जाता है। जैसे नमक तथा सोडे के मिश्रण में से नमक और सोडे को पृथक किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही आपका जो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी वो विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या होता है, जब किसी द्रव के अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी द्रव के अम्लीय विलयन में क्या प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है, तो द्रव धन एवं ऋणायनों में टूट जाता है। जो द्रव रहता है वो धनायनों और ऋणायनों में टूट जाता है, ऋणायन एनोड तथा धनायन कैथोड पर एकत्रित होने लगते हैं। इस क्रिया को वैद्युत अपघटन हम जो है वो कहते हैं। और इस क्रिया में क्या होता है, जो धनायन और ऋणायन होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, और वो धनायन ऋणायन किस पर, कैथोड पर एकत्रित होने लगते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा पदार्थों का घुलना एवं पृथक्करण, पदार्थ एक दूसरे में किस प्रकार से घुलते हैं और हम उनको किस प्रकार से अलग कर सकते हैं। हमने इनके डायग्राम के द्वारा भी इन चीज़ों को समझा, जैसा कि हमने आपका जो छानना है, निथारना है, आश्वन है, ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, विद्युत अपघटन के बारे में इसमें जाना कि क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जब भी आप लोग ये वीडियो देखें, जब भी आप लोग वीडियो देखा करें, तो अपना पेन कॉपी जो है वो अपने पास में लेके बैठा करें, ताकि जो भी मैं बोल रही हूँ तो वो आप लोग जो है वो पॉइंट नोट डाउन करते जाएं, ताकि आपके प्रॉपर नोट्स भी बनते रहें और जब आपको पढ़ने की ज़रूरत हो तब आप उस समय तुरंत ही उनको पढ़ सकें। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तो हम पढ़ेंगे यौगिकों के बारे में, यौगिक मतलब कंपाउंड के बारे में डिस्कशन चर्चा करेंगे। थैंक यू।